हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है मेरे विनीतास तड़के का दिन और हमेशा की तरह मैं आज भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं जिस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है, जी हाँ, पालक। पालक एक बहुत ही फायदेमंद वेजिटेबल ऑप्शन है। ये हमारे हेल्थ का ध्यान तो रखता ही है, उसके साथ साथ ये हमारी आँखों, बालों और स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। पालक को खाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पालक का सैलड, सूप, सब्जी एट्सेट्रा। आज मैं आपके साथ पालक की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है पालक पनीर। लेकिन ये पालक पनीर आम पालक पनीर की तरह नहीं बनेगा, ये बनेगा मेरे अंदाज में। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू किया जाए और बनाया जाए पालक पनीर मेरे अंदाज में। तो पालक पनीर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है पालक, पनीर, टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो आइए इन सारी सामग्रियों को मिलाया जाए और बनाया जाए पालक पनीर। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करें और उसमें डालें सरसों का तेल और इस तेल को चारों तरफ पैन में घुमा दें ताकि आपका पैन जो है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। उसके बाद इसमें डालें मेथी, जीरा और हींग, और उसके बाद आपने जो लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया है उसको भी इसमें डाल दें और अच्छे से भुनें। लहसुन का पेस्ट डालते ही आप तुरंत उसमें डालें देगी मिर्च ताकि आपकी सब्जी का रंग बहुत अच्छा चढ़े। जब आपका लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा पक जाए तब आप उसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज और इसको अच्छे से भूनें। अच्छे से भूनने का मेरा मतलब है कि एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस उससे थोड़ा सा पहले, यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर जब होगा आपके प्याज का तब तक इसको आपको लगातार चलाकर भूनते रहना है। हाँ, थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल दें ताकि आपका लहसुन अदरक न जल पावे। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है प्याज को अच्छे से गलाने की। उसके बाद आप उसमें डालें टमाटर। मैंने इस तरीके से टमाटर डाला है, आप चाहें तो बारीक टमाटर या टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद एज यूजुअल उसमें डालें नमक और फिर उसे ढककर पकने दें। बस ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में आपको इस पेस्ट को चलाते रहना है और इस तरीके से जब आपका टमाटर गलने लग जाता है तो ऊपर की स्किन निकलने लग जाती है। और बस उस तरीके से मैश करिए टमाटर को उसी में और अच्छे से टमाटर के पक जाने तक उसे खूब भुनें। और उसके बाद डालें उसमें मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ये पालक पनीर में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा और देगी मिर्च और बस इसको अच्छे से मिक्स करिए। याद रखिए कि आपने नमक पहले डाल दिया है, लेकिन अगर इस समय आप टेस्ट करना चाहें तो थोड़ा टेस्ट करके नमक वापस से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला जो है वो थोड़ा अच्छे से पक पाए, मशी हो पाए। और बीच बीच में इस मसाले को आप चलाना बिल्कुल ना भूलें। बस इसी तरीके से चलाते चलाते मसाले को अच्छे से भून लें जब तक कि वो तेल ना छोड़ दे। और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाए फिर आप उसमें डालें आपके बारीक कटे और धुले हुए पालक। और इस पालक को बस ऐसे ही फैला करके आपको ढक देना है, चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पालक गीला है और मसाले का जो टेम्परेचर है वो गर्म है। बस इसको आप ढक कर ही रख देंगे और थोड़ी देर बाद खोल कर देखेंगे तो आपका पालक जो है वो बहुत अच्छे से पानी छोड़ चुका होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद उसको मिक्स कर दें बाकी सारे मसालों के साथ और फिर उसको अच्छे से ढक करके पकने दें। तो पालक पनीर आपने यही देख लिया होगा कि मैंने इसका कोई प्यूरे नहीं बनाया है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ऐसे ही ढक के बनाते हुए चलाते हुए मेरा पालक जो है वो अपने आप काफ़ी ज़्यादा मशी हो जाएगा।
बस हाँ, जब मेरा पालक 50% गल जाएगा तो इस तरीके की आपके पास अगर मैशर है या मथनी है तो आप इसको मथते रहें ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए और इसकी एक लगभग प्योरे जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। यही मेरा पालक पनीर जो है वो बाकी पालक पनीर से थोड़ा अलग हो जाता है। मुझे बिल्कुल प्योरे बनाया हुआ पालक पनीर अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से जब आप पालक को पूरा अच्छे तरीके से भूनकर बनाते हैं ना, तो इस सब्जी का स्वाद ही बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे मेरा पालक ऑलमोस्ट पूरा गल चुका है, फिर भी मैं उसको मथती जा रही हूँ और आप लास्ट में इस सब्जी को देखिएगा कि ये सब्जी कितने अच्छे टेक्स्चर की बनती है। यहाँ पे जब आपका पालक जो है वो अच्छे से पक जाए तब आप उसमें डालें 1 चम्मच बेसन। बेसन नहीं है तो आप आटा भी डाल सकते हैं, मक्के का आटा भी डाल सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से भूनें। ये थोड़ा सा इस समय जो है ये थोड़ा चिपकेगा, लेकिन इससे आप घबराएं नहीं, इससे ही इसका स्वाद बहुत ज़्यादा निखर के आएगा। तो बस यहाँ भूनते हुए मुझे इसे काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच दही, जो इसके टेस्ट को, जो एक आपके पालक का जो टेस्ट होता है हल्का सा बिटर टेस्ट, उसको यहाँ पे मैनेज करेगी। और फिर मैंने इसमें डाला है एकदम गर्म खौलता हुआ पानी। आप इसमें ध्यान रखें कि खौलता पानी ही डालें, अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो पालक का टेस्ट यहाँ बदल जाएगा। बस इसके बाद इसको अच्छे से भूनकर मैंने जो ये पनीर के क्यूब्स काटे हैं वो मैं इसमें डालूंगी। पालक पनीर में पनीर जो है वो आपका सॉफ्ट ही अच्छा लगता है, इसीलिए इसको तले नहीं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डालें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो पालक पनीर में बहुत टेस्टी लगती है। और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, इसको हल्का सा स्टिर करूंगी और फिर 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर पकने दूंगी। तो एक तरफ मैं पालक पनीर को ढक दिया है मैंने और दूसरी तरफ मैं उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। जी हाँ, इसको ऊपर से तड़का मारिए तो ये और टेस्टी लगता है। तो मैं इस तड़के में कुछ नहीं डालूंगी, मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी और लहसुन। जी हाँ, लहसुन का तड़का इसमें 4 चांद लगा देता है। और जैसे ही मेरा तड़का तैयार हो जाएगा मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा देगी मिर्च, हिलाऊंगी और बस मेरा तड़का तैयार है मेरे पालक पनीर में जाने के लिए। तो आइए दिखाती हूँ कि तड़का पड़ जाने के बाद मेरा पालक पनीर कैसा दिखता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो आइए अब इसकी प्लेटिंग कर ली जाए। तो ये है मेरा पालक पनीर और अब मैं इसे पोर करूंगी एक बड़े से बोल में। तो इस तरीके से अपने घर में पालक पनीर बनाइए, अपने परिवार के साथ खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, बाय।